और इस साड़ी को फ्रेंड ने एकदम आंख बंद करके आप परचेस कर सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल है मेरी तरफ से हाईली हाईली रिकमेंडेड है हेलो फ्रेंड्स वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिशनल स्टाइलिश प्रियंका आज की वीडियो आपने जैसा कि टाइटल और थंबनेल में देख ही लिया होगा पार्टी वेयर फेस्टिवल वेयर कलेक्शन में अपने लेके आ गई बहुत ही खूबसूरत सी साड़ियां मैं आपके लिए सर्च करके मीशो से लाई हूँ और मीशो पे तो इस समय से सेल भी स्टार्ट हो चुकी है दिवाली महा सेल स्टार्ट हो चुकी है तो इस सेल में आपको बहुत ही कम और अफोर्डेबल प्राइस में ये सारी साड़ियों का कलेक्शन मिल जाएगा बहुत ही पिठी साड़ियां होने वाली हैं जॉर्जेट फेब्रिक पे है चिकनकारी साड़ी होने वाली है बहुत ही खूबसूरत साड़ियों का कलेक्शन

कहीं भी सर्च करेंगे तो आपका मेरा पेज दिख जाएगा और आज का जो कलेक्शन है सुपर अफोर्डेबल प्राइस में होने वाला है जैसा कि आप जानते हैं फ्रेंड्स सेल स्टार्ट हो पांच सौ रूपये से स्टार्टिंग प्राइस है इन सारी साड़ियों को आप आ, दिवाली में भाई दूज आने वाली है छठ पूजा आने वाली उसमें आप इसे कैरी कर सकते हैं उसके बाद वेडिंग फंक्शन एकदम लाइनअप है तो उन सभी में भी इन सारी साड़ियों को आप कैरी कर सकते हैं बहुत, है। बहुत ही ब्यूटीफुल कलेक्शन है चलिए फ्रेंड बहुत ही ज्यादा बातें नहीं करते हैं फटाफट से अपना हॉल स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो साड़ी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ मेरी फेवरेट साड़ी होने वाली है बहुत ही खूबसूरत साड़ी है मतलब मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैंने इसे मीशो से इतनी कम प्राइस में खरीदा है।, है।, वाली है।, वाली है।, मतलब है।, है नेट फैब्रिक पे चिकनकारी का वर्क मिलता है और इसका कलर मैं आपको दिखाती हूँ इसका जो नेट का कलर है वो कलर वाओ कलर है बिल्कुल एकदम ना लाइट लेवेंडर शेड में आपको ये साड़ी मिलने वाली है एकदम यूनिक शेड होने वाला है बहुत ही प्रिटी काम है इस पर आप इसका वर्क देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा वर्क हो रखा है और पूरी साड़ी में आपको नहीं किया गया क्योंकि अगर हैंड चिकनकारी का वर्क होता है तो साड़ी की प्राइस बहुत ही हाई हो जाती ये मशीन वाली चिकनकारी का वर्क किया गया साड़ी का वर्क देखिए फ्रेंड्स कितना प्रिटी वर्क है मैं आपको एक बार डबल लेयर करके दिखाती हूँ क्योंकि मैंने डार्क कलर की साड़ी वियर Yes. Haan, बहुत ही प्यारा काम हो रखा है एकदम नीट एंड क्लीन वर्क हो रखा है, मतलब है समथिंग में ये पड़ा था और इस समय सेल में इसकी प्राइस जो है सिर्फ तेरह सौ फिफ्टी सेवन रुपीज है, मतलब इतने कम प्राइस में आपको ये साड़ी मिलने वाली है अगर पसंद आती है तो बिना सोचे फटाफट से इसे परचेज कर लीजिए आउट ऑफ

इंच वाले थोड़ी सी हील के साथ एकदम आराम से कैरी कर सकते हैं बहुत ही अच्छी चौड़ान और बहुत ही अच्छी लेंथ के साथ आपको ये साड़ी मिलती है इस तरह से पूरी ये साड़ी है यहाँ तक आपको पूरा वर्क मिलता है और सिर्फ और सिर्फ बस इतना दूर इन्होंने कपड़ा प्लेन रखा देखिए फ्रेंड्स कितना कम दूर इन्होंने प्लेन रखा है तो मतलब कहीं से कुछ भी प्लेन नहीं नजर आने वाला जब ये साड़ी पहनेंगे ये वर्क ना पूरा पीछे पूरा वर्क आने वाला है कहीं से भी प्लेन कपड़ा नहीं नजर आने वाला मेरे पास सेम इसी कलर का पेटीकोट नहीं था तो जब मैं पीछे का दिखा रही थी तो इसका कलर थोड़ा सा चेंज नजर आ रहा था क्योंकि सेम डिक्टो मैच करता हुआ ही पेटीकोट इसके साथ जब आप कैरी करेंगे ना तो इसका लुक और भी निकल के आएगा और ये है इसका ब्लाउज ब्लाउज भी इन्होंने बहुत ही प्यारा दिया है पूरा कॉटन सिल्क का फैब्रिक है जिसमें पूरा इस तरह से हैवी एम्ब्रॉयडरी का वर्क हो रखा है बीच बीच में बूटियां हैं और बॉर्डर के लिए इन्होंने इस तरह से इतना हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला ये बॉर्डर दिया हुआ है जिसे आप अपने बैक में या फिर स्लीव में स्टाइल करवा सकते हैं मेरी तरफ से हाईली 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 रिकमेंडेड है अगर आप पसंद आती है तो फटाफट से ऑर्डर करिए नहीं तो ये बहुत ही जल्दी आउट ऑफ स्टॉक होने वाली है बहुत ही प्रिटी साड़ी है मेरी तरफ से मतलब जैसे कहते हैं ना जिसे आंख बंद करके आप इसे खरीद सकते हैं आपको कोई भी टेंशन

और ये है इसका आंचल आप देखिए फ्रेंड्स पूरा भरा हुआ गोल्डन विविंग का वर्क हो रखा है एकदम शाइनिंग के साथ है शाइनिंग बहुत ही प्रिटी शाइनिंग के साथ है और ये साड़ी ऐसी है ना आप किसी भी वेडिंग फंक्शन में कैरी कर सकते हैं अगर आपकी खुद की मैरिज हो रही है तो उसमें भी अगर आप इस तरह की साड़ी अपने कलेक्शन में रखते हैं ना तो बहुत ही प्यारा लुक निकल के आएगा और एकदम लाइट वेटेड भी रहेगी इस इसमें पूरा मीनाकारी विविंग का वर्क हो रखा है आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ग्रीन ऑरेंज का काम किया गया इसमें बीच बीच में मीनाकारी का वर्क किया गया इसमें बीच में कहीं कहीं पर्पल का भी यूज आया है अभी आप आगे देखेंगे और इस साड़ी का जो फैब्रिक है प्रीमियम और गंजा सिल्क का फैब्रिक आपको मिलने वाला प्रीमियम क्वालिटी की साड़ी आपको मिलने वाली है मतलब मीशो ने अपनी क्वालिटी बहुत ही इंप्रूव की है बहुत ही अच्छे अच्छे सेलर अब मीशो पे आ गए हैं जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की साड़ियां आपको देते हैं वो भी बहुत ही कम प्राइस पे ये है इसका बॉर्डर इस तरह से इसका बॉर्डर आपको मिलने वाला है पूरी साड़ी में आप देखिए फ्रेंड्स कितनी प्यारी छोटी छोटी बूटियां बनी हुई है पूरा मीनाकारी वाला वर्क है आप देखिए फ्रेंड्स पर्पल का भी वर्क है येलो कलर का वर्क है और ऑरेंज कलर ग्रीन कलर का इस तरह से मीनाकारी वाला वर्क हो रखा है और

है छठ पूजा है भाई दूज है दिवाली है उसमें आप इसे कैरी कर सकती हैं बहुत ही प्रिटी लगेगी बहुत ही खूबसूरत साड़ी लगेगी साड़ी की लेंथ इन्होंने बहुत ही अच्छी रखी है साड़ी की जो चौड़ान है फाइव फिट सेवन इंच वाले एकदम आराम से कैरी कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है बहुत ही प्रिटी साड़ी है ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक जो है आपको इस पे पूरा वर्क की डिटेलिंग मिलती है उसके बाद से जो है आपको ये लाइनिंग लाइनिंग जैसा पैटर्न मिलता है इतना दूर इसके बाद से जो है यहाँ से इनका ब्लाउज का फैब्रिक स्टार्ट हो जाता है ब्लाउज भी जो पूरा आंचल की तरह से पूरा फुल हैवी जरी विविंग का वर्क वाला ब्लाउज मिल जाता है आपको और ब्लाउज के लिए इन्होंने इस तरह से जो है ये बॉर्डर वाली डिटेलिंग भी दे रखी जिसे आप अपने ब्लाउज में स्टिच करवा सकते हैं ऑन में आपको क्लियर हो जाएगा कि पीछे की साइड इन्होंने कितना दूर प्लेन कपड़ा दिया हुआ है बहुत ही थोड़ा सा ही प्लेन कपड़ा नजर आ रहा है बहुत ही ज्यादा प्लेन कपड़ा नहीं नजर आएगा क्योंकि पीछे भी ये सारी करने से हमें सारा मोटिवेशन मिलता है, कि हाँ, हमारा काम, हमारी जो है आपको पसंद आ रहा है और ऐसा लगता है ना कि बस मेहनत सफल हो गई हाँ सभी को पसंद आ रही है वीडियो और लोग लाइक भी कर रहे हैं उसे तो इसलिए फ्रेंड्स मैं हमेशा कहती हूँ अगर पसंद आती है तो प्लीज लाइक

भी प्राइस डाउन हुई है क्योंकि ये मैंने थाउजेंड रुपीज समय जो है 900 में आपको ये साड़ी मिलने वाली है। एक कलर का ऑप्शन था वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है बाकी तीन कलर ऑप्शन और भी अवेलेबल है ये भी अवेलेबल है चलिए फ्रेंड्स बात करते हैं नेक्स्ट साड़ी की नेक्स्ट साड़ी जो है एकदम वायरल कलर वाली साड़ी होने वाली मतलब ये कलर इस समय जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एकदम छाया हुआ है ट्रेंड कर रहा है यहाँ तक कि इस कलर को नीता अंबानी ने भी एक इवेंट में पहन लिया है तो ये कलर जो है नियॉन ग्रीन कलर जो है इस समय इतना ज्यादा ट्रेंडिंग कलर है ये तो मुझे ये कलर जो है मीशो पे दिखा इस कलर की साड़ी मैंने फटाफट से इसे ऑर्डर कर ली जॉर्जेट फैब्रिक में है और आई भी बहुत ही प्रटी साड़ी है अब देखिए फ्रेंड्स ये है इसका आंचल पोर्शन ऐसा इन्होंने कुछ डिफाइन नहीं किया है कि यहाँ से आंचल है पूरे ऑल ओवर साड़ी में आपको ऐसे ही वर्क मिलने वाला है जॉर्जेट का फैब्रिक है फैब्रिक की क्वालिटी बहुत ही अच्छी रखी इन्होंने और आज के हॉल

दूर दूर इन्होंने ये बूटियां बनाई हुई है बूटियां काफी पास पास बनाई हुई है इस तरह से पूरी साड़ी में आपको ये ये बूटियां मिलने वाली है है और ये इतनी लाइट वेटेड साड़ी है ना अगर आप फेस्टिवल में दिन भर साड़ी पहनना पसंद करते हैं तो आप इस तरह की साड़ियों में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें क्या होता है है ना कि काफी लाइट वेटेड रहती तो आप आराम से फेस्टिवल में बहुत सारे काम भी होते हैं आप आराम से अपना वर्क भी कर सकते हैं और इस साड़ी को भी स्टाइल कर सकते हैं बहुत ही प्रिटी साड़ी है मेरी तरफ से ये भी हाईली रिकमेंडेड साड़ी है क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग टोटली वर्थ इट है फुल पैसा वसूल मटेरियल और कलर तो इसका ट्रेंडिंग कलर है पसंद आ रही तो फटाफट से परचेज कर लीजिए आउट ऑफ स्टॉक होने से पहले पूरा लास्ट लास्ट एंड तक जहां हम अंदर टक इन करते हैं पूरा लास्ट एंड तक आपको पूरी एम्ब्रॉयडरी की डिटेलिंग मिलने वाली है कहीं से भी कुछ भी प्लेन नहीं नजर आने वाला है बहुत ही अच्छी साड़ी लगी मुझे बहुत ही प्यारी स्टाइल करने के बाद भी बहुत ही खूबसूरत लग रही थी ट्राइन में आपको इसका लुक क्लियर हो जाएगा इसका जो ब्लाउज इन्होंने दिया है सेम इसी कलर में दिया हुआ है आप चाहे तो इसके साथ कंट्रास्ट ब्लाउज भी कैरी कर सकते हैं व्हाइट या गोल्डन कलर का और इस तरह से पूरी ब्लाउज में भी आपको ये एम्ब्रॉयडरी वाला पैटर्न मिल जाता आता है। बहुत ही साड़ी 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 है। है। की की लेंथ इन्होंने अच्छी रखी है। साड़ी की जो चौड़ान है फाइव पॉइंट सिक्स इंच वाले एकदम आराम से कैरी कर सकते हैं फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट साड़ी की नेक्स्ट साड़ी भी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है मतलब एकदम पार्टी वियर साड़ी होने वाली है ये स्पेशली सिर्फ पार्टीज के लिए ही बनी हुई है सीक्वेंस का वर्क जो है अभी भी ट्रेंड में ही चल रहा है आपने बहुत सारे ये फैशन वीक में जो रैम पॉक होते हैं उसमें आपने सुष्मिता सेन को मतलब जितनी भी सेलिब्रिटी का आप नाम लब ने ये सबने कुछ ना कुछ सीक्वेंस का डाला ही हुआ है तो सीक्वेंस अभी भी ट्रेंड कर रहा है अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है पार्टी फंक्शन में किस तरह की साड़ियां मैं पिक करूं तो आप सीक्वेंस वर्क में साथ जाइए सीक्वेंस वर्क अभी भी ट्रेंड में है तो इसे मैंने एकदम डार्क काही ग्रीन में ये सीक्वेंस वाली साड़ी मंगाई है ये साड़ी इस समय इंस्टाग्राम पे काफी ट्रेंडिंग साड़ी है सबसे पहले मैं आपको इसका आंचल पोर्शन दिखाने वाली हूँ ये भी बहुत ही प्रति साड़ी है इसका आंचल पोर्शन पूरी साड़ी में आपको ये पाइपिंग लगी हुई किनारों पर पाइपिंग लगी हुई डिटेलिंग मिलेगी सेम कलर की पाइपिंग लगी हुई है पूरा सिक्वेंस का वर्क है आप देख ही सकते हैं कितना जगमग जगमग वाला वर्क हो रखा है इस पे मतलब पार्टीज फंक्शन में ही आप इसे कैरी कर सकते हैं या फिर आप इसे फेस्टिवल में अगर आपको बहुत ही ब्लिंगी सा लुक चाहिए तो भी आप इसे आराम से नाइट टाइम में कैरी कर सकते हैं बहुत ही प्रेटी लगेगा नो डाउट और इसमें जो है आपको ना पूरा रेशम के धागे से हॉर्जेंटल की गई है और इसमें पूरा सिल्वर कलर के सीक्वेंस लगाए गए हैं जिसकी वजह से काफी बोल्ड एंड वाइब्रेंट लुक आ रहा है आप देखिए फ्रेंड इसका सिक्वेंस का वर्क देखिए काफी ब्लिंगी सा लुक है जिग्जैक्ट जिग्जैक वाला पैटर्न इन्होंने बनाया हुआ है मैं आपको एक बार बैक से भी दिखा देती हूँ एकदम फिनिशिंग के साथ वर्क है रेशम के थ्रेड का वर्क आई थिंक आपको क्लियर हो पा रहा होगा पूरा इसमें रेशम के वर्क है रेशम के थ्रेड से इस पर वर्क किया गया है बहुत ही प्रिटी काम किया प्रमुख नीट एंड क्लीन काम है एकदम मतलब पूरी फुल भरी हुई साड़ी है कहीं से भी कुछ भी खाली नहीं नजर आने वाला है आप देखिए फ्रेंड्स बहुत ही प्रिटी साड़ी ये भी है इसमें भी आपको थ्री टू फोर कलर ऑप्शन मिल जाएंगे अगर आपको ग्रीन नहीं लेना है तो आप दूसरा कलर ऑप्शन ले सकते हैं इस तरह से पूरी साड़ी में मतलब जहां कमर के पास भी टकिन करते हैं वहां पे भी इन्होंने पूरा फुल ऊपर तक एम्ब्रॉयडरी दे रखा रखी है सिर्फ आप देख सकते हैं फ्रेंड सिर्फ इतना दूर इन्होंने कपड़ा प्लेन रखा है इस तरह से ये पूरी साड़ी मिलने वाली है बहुत ही प्रिटी लग रही थी पहना हुआ काफी एकदम पार्टी रेडी पीस लग रहा था यहां तक आपको एम्ब्रॉयडरी की डिटेलिंग मिलती है उसके बाद इतना दूर इन्होंने कपड़ा प्लेन रखा है आपको ट्राइन में क्लियर हो जाएगा कि सीक्वेंस वर्क पीछे कहां तक आने वाला है साड़ी की लेंथ इन्होंने अच्छी रखी लेकिन साड़ी की जो चौड़ान है ये इन्होंने थोड़ी सी कम रखी है जिनकी भी हाइट जो फाइव फिट सिक्स इंच है ना तो जितना आपको ये पोर्शन दिख रहा है ना ये जिसपे वर्क नहीं हो रखा जो प्लेन पोर्शन दिख रहा है सिर्फ आप इतना ही टकिन टकिन कर पाएंगे बाकी आराम से आप टकिन कर सकते हैं जिनकी हाइट इंच से कम है वो आराम से कर सकते हैं और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि सीक्वेंस की जो साड़ियां होती ना उसमें जो ये प्लेन वाला पोर्शन होता है अगर सिर्फ आप उतना ही करते हैं तो आपको काफी कंफर्टेबल फील होता है क्योंकि जब ये सीक्वेंस वर्क अंदर की तरफ टकिन होता है तो वो कमर में चुपता ही चुभता है आई थिंक अगर आप सब आप सबने एक एक, न, एक बार तो सीक्वेंस की साड़ियां पहनी होंगी अगर ऊपर तक एम्ब्रॉयडरी है तो हमेशा आप ऐसा कोशिश करिए ना या फिर आपके हाइट के अकॉर्डिंग वो हो अः अगर बहुत ही मतलब फाइव फिट टू इंच या फिर फाइव फिट थ्री इंच तक की हाइट है ना तो सिक्वेंस वर्क तो अंदर कमर में टकिन ही होना है प्लीट्स के पास भी टकिन होगा तो बहुत ही इरिटेट करेगा आपको तो हमेशा आप कोशिश करिए अपने हाइट के अकॉर्डिंग सीक्वेंस का वर्क ध्यान में रखिए अगर ऊपर तक वर्क है तो अपने हाइट के अकॉर्डिंग इसे कैरी करिए या फिर आप हील्स कैरी कर लीजिए और सिर्फ जितना प्लेन कपड़ा है उतना ही आप अगर टकिन करेंगे तो आप कंफर्टेबली इसे घंटों वियर कर सकते हैं बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं हुई

येलो कलर में होने वाली आप देखिए फ्रेंड्स ये भी काफी ट्रेंडिंग है मीशो पे और वायरल साड़ी है ये भी बहुत ही प्रिटी सा येलो कलर आया है बहुत ही हैवी वर्क के साथ है नेट फैब्रिक में ये आपको साड़ी मिलने वाली है और शुरू करूंगी मैं इसके आंचल पोर्शन से ये है इसका आंचल पूरी साड़ी में आप देखिए फ्रेंड इस तरह से आपको ये कटवर्क वाले बॉर्डर वाले की ना लेस वाली डिटेलिंग मिल जाती है और इसका जो नेट का फैब्रिक है इसमें हल्की सी ना शाइनिंग है इसके नेट के फैब्रिक में और बहुत ही सॉफ्ट सा नेट है और बीच बीच में आपको ना इस तरह से फूल वाली टिक्कियां मिल जाती है बूटियां बनी हुई पूरा का वर्क है पूरा सिक्वेंस इसमें इन्होंने बूटियां बनाई हुई एकदम पास पास बूटियां बनी हुई मैं एक बार डबल लेयर करके दिखाती हूं एकदम पास पास बूटियां बनी हुई है इस तरह से इस पे बूटियों का वर्क हो रखा है और नीचे के साइड तो बहुत ही हैवी सा कटवर्क स्टाइल में इसका वर्क देखिए वाव वाव वर्क किया हुआ पूरा सीक्वेंस का वर्क है गोटा पट्टी का वर्क नहीं पूरा सीक्वेंस एंड जरी वर्क से एम्ब्रॉयडरी की गई है और एकदम बड़े बड़े जिग्जैक्ट जिग्जैक्ट जिग 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 पैटर्न में जो है कट वर्क स्टाइल इसका बना हुआ इस तरह से इस पे वर्क किया गया है वर्क नो no डाउट बहुत, बहुत 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 ही प्यारा वर्क किया गया है मतलब इस साड़ी को ना आप अपनी हल्दी फंक्शन में भी कैरी कर सकते हैं हल्दी फंक्शन में बहुत ही प्रिटी लगेगी फेस्टिवल में भी बहुत ही प्यारी लगेगी येलो कलर की साड़ियां पूजा वगैरह में बहुत ही खूबसूरत लगती हैं बहुत ही प्रिटी सा लुक निकल के आएगा बहुत ही प्यारी लगेगी आ, और पूरी साड़ी हैवी आपको एम्ब्रॉयडरी वाली मिलने वाली है लेकिन इसका वेट इतना लाइट वेटेड है ना कि मतलब बिल्कुल आपको एहसास ही नहीं होगा कि आपने कोई हैवी सी साड़ी पहनी हुई है और इस तरह से पूरी साड़ी में आपको ये वर्क मिलेगा कहीं भी आपको प्लेन नहीं नजर आने वाला इवन कमर के पास भी जहाँ प्लीट्स बनाते हैं ऊपर के साइड में पूरी फुल बूटियां बनी हुई है और नीचे के साइड में वही कटवर्क वाले बॉर्डर वाले स्टाइल वाला बॉर्डर बना हुआ जब ये साड़ी मैंने ओपन की मुझे बहुत ज्यादा पसंद आई इसका वर्क एकदम नीट एंड क्लीन है नेट की क्वालिटी भी अच्छी है आ, लुक भी बहुत ही प्यारा निकल के आ रहा था बहुत ही खूबसूरत लग रही थी लेकिन जब मैंने इस साड़ी का ट्राई ऑन किया मेरा मूड खराब हो गया <laughs> क्योंकि ये साड़ी मुझे बहुत ही ऊंची आ रही थी मतलब मैंने ट्राई ऑन में मैंने कैसे इसे पहन के आपको दिखाया है मैं ही जानती हूँ और वो भी विदाउट हील विदाउट पर कुछ भी नहीं डाला था मैंने आ, सिर्फ मतलब इस इतना सा सिर्फ मतलब एक से दो ये वन से टू फिंगर ही बस मैंने टक इन किया था फ्रंट वाली प्लीट्स में भी वन से टू ही फिंगर टक इन करके आपको दिखाया था क्योंकि ये साड़ी मुझे बहुत ही ऊंची हो रही थी बहुत ही प्रति साड़ी है लेकिन क्या ही बताऊं ये मुझे तो छोटी आ रही थी आ, इस साड़ी को मैं यही बोलने वाली हूँ कि जिनकी भी हाइट जो है ना फाइव फिट थ्री या उससे कम है वही इस साड़ी को परचेज करे बहुत ही प्यारी साड़ी है नो no डाउट बस हाइट की वजह से इसकी जो चौड़ान है इसकी वजह से इसके पॉइंट कम हो रहे हैं बाकी जिनको अच्छे से आएगी उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है उसके बाद आप

लेकिन ऐसा नहीं कि साड़ी, की छोटी, साड़ी, की साड़ी है। इसकी जो प्राइस है सेवन हंड्रेड समथिंग या एट हंड्रेड सम है प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है लेकिन हाइट का ध्यान रखिएगा जिनकी भी हाइट जो फाइव फिट थ्री इंच है या उससे कम है वही साड़ी को परचेज करें नहीं तो फिर आपको साड़ी ऊंची आने वाली है फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट साड़ी की नेक्स्ट साड़ी भी बहुत ही प्रिटी है क्रस्ड फैब्रिक में होने वाली है क्रस्ड फैब्रिक की साड़ियां अपने आप में ही बहुत ही प्रटी लगती हैं अभी भी ट्रेंड में है इनका और ये है बॉर्डर इसका बॉर्डर पे पूरा सीक्वेंस है एम्ब्रॉयडरी का वर्क है उसी कलर के सेम वर्क है और ये इसका जो आपको लग रहा है ना कि मिरर वर्क मिरर वर्क जैसा जो एम्ब्रॉयडरी किया गया ये ओरिजिनल मिरर वर्क नहीं है फॉयल मिरर का वर्क है बहुत ही प्यारा वर्क किया गया है बॉर्डर पर और इसका कलर तो आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा कलर है रामा ग्रीन कलर है बहुत ही खूबसूरत कलर है और इसमें ना, चौड़े चौड़े प्लीट्स वाली ये साड़ी है आप देखिए फ्रेंड्स वाली साड़ी है और इस तरह से साइड में, में सिर्फ ये साड़ी आएगी बॉर्डर मिल जाता है इसका जो क्रस्ड वाला फैब्रिक है ना आप देखिए फ्रेंड्स हल्का सा बहुत ही हल्का सा आपको स्ट्रेचेबल फील हो रहा होगा तो जब आप इसकी प्लीट्स बनाएंगे ना तो आपको बहुत ही लूज हैंड से बनाना होगा जो फ्रंट वाली प्लीट्स बनती है अगर आप एकदम टाइट टाइट करके ऐसे ऐसे प्लीट्स बनाएंगे तो वाला जो मटेरियल जब आप हाथ निकालेंगे तो काफी अच्छे से प्लीट्स नहीं होगा इस तरह से साड़ी इसमें थोड़ा सा ट्रिक बस होती है प्लीट्स बनाने में बाकी ऐसा कुछ नहीं आप आराम से इसे कैरी कर सकते हैं लुक बहुत ही प्यारा आ रहा था पहनने पर उसके देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक आपको बॉर्डर मिलता है उसके बाद इतना दूर कपड़ा प्लेन मिल जाता है ब्लाउज इनका सुपर हैवी ब्लाउज आपको मिलने वाला है पूरा फ्रंट एंड बैक में पूरा हैवी एम्ब्रॉयडरी मिलने वाली है स्लीव में भी पूरी हैवी एम्ब्रॉयडरी का वर्क आपको मिल जाता है कॉटन सिल्क के फैब्रिक पे जो आपको पूरा हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज मिलता है ब्लाउज बनने के बाद इस साड़ी का लुक काफी अच्छा आएगा लाइट वेटेड साड़ी है सिल्क काइंड का फैब्रिक है शाइनिंग है फैब्रिक में साड़ी बहुत ही प्रिटी लग रही थी इसकी जो प्राइस है एट हंड्रेड समथिंग में ये साड़ी आपको मिलने वाली है सभी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट किया करिए फ्रेंड्स और जो भी आपको पसंद आता है आप अपने लिए परचेज कर सकते हैं इस साड़ी की लेंथ इन्होंने अच्छी रखी

बहुत ही प्यारा विविंग का वर्क है बिल्कुल मीना कार्य जैसा काम हो रखा है आई थिंक कैमरे में ठीक से क्लियर हो पा रहा होगा बहुत ही प्रिटी सा वर्क है इसमें जो है ना आपको ना ये जो पिंक कलर है ना ये रानी पिंक कलर नहीं है फ्रेंड्स कलर कलर और पिंक का थोड़ा सा मिक्स कलर है मतलब आप इसे पेस्टल पिंक कलर बोल सकते हैं बहुत ही प्रटी सा शेड है बिल्कुल भड़कीला तड़कीला वाला जो है रानी कलर नहीं है आ, बहुत ही सटल डाउन सा पेस्टल रानी कलर है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा मतलब एकदम प्रीमियम कलर लगा कलर बहुत ही है और ये है इसका बॉर्डर बॉर्डर भी बहुत ही खूबसूरत बनाया गया पूरा फ्लावर वाले विविंग का वर्क है जिसमें ग्रीन कलर से विविंग का वर्क किया गया मैं आपको इसका इसका बैग बैग भी दिखा देती से से का का वर्क वर्क आप देख सकते हैं इस तरह से का वर्क किया गया पूरी साड़ी आपको प्लेन मिलने वाली है सिल्क फेब्रिक में आपको ये साड़ी मिलने वाली है साड़ी में खुद की अपनी एक शाइन है जो की बहुत ही प्रिटी लग रही है बहुत ही खूबसूरत लग रही है बस आप इसके कलर का ध्यान रखिएगा जो मीशो में भी जो इमेज लगी ना एकदम डार्क रानी कलर की लगी लेकिन ये बहुत ही प्यारा सा पेस्टल रानी कलर

और भी प्यारा निकल के आएगा और भी खूबसूरत आएगा साड़ी की लेंथ अच्छी रखी है इन्होंने साड़ी की जो चौड़ान है फाइव फिट सेवन इंच वाली एकदम आराम से कैरी कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रेंड्स जो साड़ी मैंने पहनी है वो भी मीशो की है जिम्मीचू फैब्रिक पे ये साड़ी है बहुत ही प्रिटी साड़ी है पूरा बॉर्डर पे ना ओरिजिनल मिरर वर्क का काम मिलता है पूरा ओरिजिनल मिरर वर्क और पोत इस पे चिपकाए गए हैं और पूरा सिरास्की का वर्क है दा सिरास्की डायमंड का वर्क है आप देख सकते हैं इतना ब्लिंगी इतना शाइनिंग साइज का फैब्रिक है और इस पर यह सिरास्की का वर्क सोने पर सुहागा लग रहा है और ये मिरर वर्क की डिटेलिंग बहुत ही प्रिटी लग रही है बहुत ही प्रति साड़ी है जिम्मीचू फेब्रिक